जोर से बोलो, बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर आए हैं, ये स्थान का नाम है खैरा। क्या नाम है? इसका विभिन्न इतना कम पागल क्या, इसका विभिन्न कारण से इसका नाम खैरा पड़ा है। कम से तीन चार कारण। पहला कारण है ये भगवान, ये कृष्ण का ये गोचारण भूमि है। जब कृष्ण यहीं पर आते थे सखाओं के साथ में गैया चराते, एक होता खैर, खैर जानते हो जो कथा जिसको कहते हैं, पान के अंदर में वो कथा डालने पर जो वो पान खाओ ना, पहले की लिपस्टिक फिस्टिक कोई नहीं लगाया गया, इसलिए इसको खाओ तो अपने आप तुम्हारा जो होठ है वो अपने आप लाल हो जाता है। इसलिए कभी कभी श्याम राधा रानी सुंदर पान की बिड़िया उसमें कथा डाल करके श्याम, इसलिए कहते ये यहाँ पर खैर होता तो इसको कथा कहते हैं, ये कारण। दूसरा कारण है ये स्थान, कृष्ण यहीं पर उन्होंने बकासुर को वध किया। जब कृष्ण सखाओं को साथ में गोचारण करते करते यहीं पर आए, यहीं पर बकासुर बगुला रूप धारण करके बैठा हुआ था। इतने में कृष्ण के सखा लोग देख करके बोले, भैया हम तो रोज यहीं पर गैया चराने के लिए बछड़ा चराने के लिए आते हैं, और इतने विशाल काय था जैसे लग रहा था किसी पर्वत का पंख को जैसे काट दिया, ऐसे लग रहा था। इतने में जब कृष्ण यहाँ पर आए, इतने में वो था बकासुर, हठात उसने बकासुर ने कृष्ण को आक्रमण किया, आक्रमण करके कृष्ण को निगल लिया, खा लिया, खा लिया। तो सखाओं ने बोले, भैया हमारे कन्या को बकासुर ने खा गए रे, खा गए रे, खायोरी खायोरी है, इसलिए इस स्थान का नाम है खायोरी व खैरा नाम है। तीसरा कारण है यहाँ पर बड़े सुंदर खेजूर फल होता था, खेजूर फल होता था, इसलिए इस स्थान का नाम भी खैरा नाम, इस स्थान का नाम है। इसलिए कृष्ण जब बकासुर को यहीं पर कृष्ण को निगल लिया, इतने में कृष्ण अंदर में गए और अपना शरीर को जैसे लोहे का गर्म करते हैं ना, ऐसे कृष्ण अपना शरीर को लोहे जैसे गर्म कर दिया, और इतने में बकासुर ने कृष्ण को उल्टी कर दिया। उल्टी करते ही फिर कृष्ण भागते हुए गए, दोनों चोंच को पकड़ करके उन्होंने चीर डाले, हाँ उसको चीर डाले। इसलिए यहाँ पर एक गांव का नाम है जिसका नाम है चिल्ली, जिसका नाम चिल्ली नाम पड़ा। इसलिए ये जो स्थान है ये पास में, हाँ कृष्ण जो यहाँ पर बकासुर को मारे, कहते इसमें शिक्षा क्या विषय किया है? आप लोगों ने बगुला देखे हो? कौन कौन बगुला देखे? अब देखना पानी के अंदर में जो बगुला खड़ा रहता है वो एक प्यार में खड़ा रहता है, एक प्यार एकदम ऐसे लग रहा लगता है जैसे कोई ऋषि मुनि जैसे एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करते हैं। लेकिन एक समय राम लक्ष्मण जा रहे थे, इतने में भगवान राम लक्ष्मण को बोले, देखो लक्ष्मण ये बगुला कितना बड़ा तपस्वी है, एक टांग को कुबेर स्थिर होकर खड़ा हुआ। इतने में लक्ष्मण गुरु तत्व है ना, लक्ष्मण कहते प्रभु जी ये कितना बड़ा तपस्वी, ये मछलियों को अगर पूछोगे ना ये मछली से बता देंगे, क्योंकि वो इसीलिए एक टांग पर खड़ा रहता है स्थिर होकर के, ये मछलियों को पता नहीं चले यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, हैं? इसलिए जो बगुला है ये कपट है। कपट किसको कहते हैं? हम तो ऊपर दिखाते हैं एक, लेकिन हम अंदर से और कुछ है, और कुछ है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अंतर बाहिर सम व्यवहार अमानी मान दहब। इसलिए कहते हैं भक्ति करना तो भैया हम बाहर जैसे दिख रहे हैं ना, हमारे अंदर भी वैसे होनी चाहिए। इसलिए अगर कपट होगा ना, प्रभुपाद कहते भैया सभी का कल्याण हो सकता है लेकिन कपटी व्यक्तियों का कभी कल्याण नहीं हो सकता, भगवान कभी कपट व्यक्ति को स्वीकार नहीं करते। इसलिए कृष्ण बंसुरी क्यों बजाते? बंसुरी में दो गुण है, क्या गुण है? पहला गुण उसका अंदर खाली है, अंदर उसकी खाली है, और कृष्ण जैसे फूं देते हैं ना ठीक वैसे बजती है, इसलिए उसका अंदर खाली है, इसलिए कृष्ण बंसुरी को स्वीकार करते हैं। अगर हम बंसुरी बज जाए ना बास कन्या हमें भी बजाना शुरू कर देंगे। इसलिए यहाँ पर कृष्ण बकासुर को वध किया है। ये आस पास में बहुत सारी लीला है। हम जो उधर से अब लोग कार करते हुए आए, वहां पर एक स्थान का नाम है आजनौ। आजनौ का मतलब क्या है?
कृष्ण कभी वहीं पर बंसुरी बजाए। सखियां राधा रानी को श्रृंगार कर रही थी, सारे श्रृंगार हो चुका है, केवल आंख में काजल लगाने। जब काजल लगाने जा रही थी, इतने में कृष्ण बंसुरी बजाए तो राधा रानी एकदम बावड़ी बन करके वहीं से भागी। भक्त भक्त यहाँ पर आए, जब आए कृष्ण ने देखा राधा रानी का तो सारे श्रृंगार सही है, लेकिन अभी आंखों में काजल लगाना बाकी। कृष्ण एक शिला के ऊपर बैठा करके अपना हाथों से राधा जी की आंखों में काजल लगाए, लगा करके जो हाथ में थोड़ा काजल बच जाती है ना, एक शिला के ऊपर कृष्ण ऐसे अपना अंगुल को ऐसे घींच दिया। अभी भी वो शिला वहां पर रखा हुआ है, हाँ, जिसका आजनों को शिला कहते हैं, अभी भी उसको घीसो स्वाभाविक रूप में उससे काजल निकलती है, स्वाभाविक रूप में उससे काजल निकलती है। अभी भी हम लोग बस में आए, इधर आए इसलिए आए नहीं, जो लोग कार में आए और अंदर में जाने पर अभी भी वो शिला रखा हुआ है, इसलिए स्थान का नाम भी आजनौ। और यहाँ पर पास में एक स्थान का नाम है बिजवारी। बिजवारी मतलब जब कृष्ण बलराम जा रहे थे, इतने में ब्रज गोपियाँ तो कोई रथ को पहिया को नीचे लेट गई, कोई रथ को पकड़ लिए, बोले जाओ तो हमको मार करके जाओ, लेकिन कृष्ण किसी तरह से तो उनको समझा दिया, हम आज जा रहे हैं, कल मार करके परसों आ जाएंगे, इसलिए गांव का नाम है उसी नाम से सी परसु, मतलब कृष्ण बोल कर गए थे हम परसों आ जाएंगे। अभी तो गोपियों को किस तरह से समझा दिया। अब जब थोड़ी दूर गए ना, राधा रानी मेन रोड को पर लेट हुई, जो लेट हुई थी राधा रानी का शरीर से जो तेज निकल रहा था, इसलिए कहते बिजली जैसे राधा रानी चमक रही थी, हाँ बिजली जैसे, इसलिए वो गांव का नाम है बिजवारी, हाँ बिजली जैसे चमक रही थी। और पास में एक गांव है जिसका नाम छत्रवन, बोले छत्रवन का क्यों नाम पड़ा, बोले कृष्णा जब यहाँ पर गया चलाते हुए कृष्ण आए, और इतने में राधा रानी भी अपना सखियों को साथ में यहाँ पर भी उन्हें लीला करने के लिए आई तो इतने में सखियों ने कहते कृष्ण को सखाओं के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया, बोले आज इनको सबके सब बंदी बनाएंगे, हैं, इसलिए राधा रानी को बैठा दिया रत्न सिंहासन के ऊपर में, और सबके सब कृष्ण और सखाओं के ऊपर में गोपियों ने आक्रमण किया और सबको बंदी बना करके लेकर गया। और राधा रानी वहीं पर सिंहासन में बैठी हुई थी और कृष्ण को बंदी कैसे बनाए, बोले फूलों को माला से कैसे बनाए, भगवान को थोड़ी कोई बंदी बना सकते हैं, भगवान को तो प्रेम के द्वारा ही प्रभु बंदी बन सकते हैं। जब श्याम सुंदर को लेकर के आए, राधा कृष्ण दोनों को वहां पर बैठा कर उन्होंने जुगल आरती करवाई, कृष्ण स्वयं राधा जी के सर के ऊपर उन्होंने छत्री धारण किया, छत्री धारण करते हुए वहां पर उन्होंने संपूर्ण ब्रज में उन्होंने प्रचार किया, आज से ब्रज का जो रानी है ना, कौन है, राधा रानी। इसलिए वृंदावन आओ तो किसका नाम सबके सब लेते हैं, जोर से बोलो राधा रानी का सबके नाम लेते हैं, इसलिए कृष्ण यहीं पर पूरा ब्रज मंडल में बोले सबके सब किसका नाम लेना, कोई मेरा नाम नहीं लेना, लेना तो श्री राधा रानी का नाम ले। ये पास में सब गांव है, अगर हमारे जो लोग डेढ़ महीना तक परिक्रमा करते हैं ना, पूरा डेढ़ महीना तक ये सबके सब एक एक गाँव में जाते हैं, वहाँ पर प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और ये जो आप लोगों ने कुंड देखा है, इसका नाम है संगम कुंड है, ये कुंड जो अभी परिक्रमा लगा है संगम कुंड है, क्योंकि इसमें राधा कृष्ण की यहीं पर मिलन होता था, सखी सखाओं के साथ में कृष्ण यहीं पर जैसे जल विहार करते थे, जल में क्रीड़ा करते थे, इसलिए संगम कुंड है। और यहीं पर श्री लोकनाथ दास गोस्वामी यहीं पर पहले भजन करते थे, बड़े भजनानंदी महापुरुष थे। जब श्री लोकनाथ दास गोस्वामी यहाँ भजन करते थे, एक दिन उन्होंने यहाँ पर पास में और एक किशोरी कुंड भी है, जब श्री लोकनाथ दास गोस्वामी को डुबकी लगाए, स्वाभाविक रूप में उनका हाथ में एक ठाकुरु आए जिनका नाम था राधा विनोद था। जब उनको प्रकट किया ना, बड़े दिनों के बाद में अपने आप प्रकट तो हुए, अपने आप इनको हाथों में आए, जब आए इतने में ठाकुर जी कहे देखो बड़े दिनों से मैं पानी में पड़ा हुआ था, मेरे को बड़ी तेज भूख लग रहा है, तो खाना बना, तो उन्होंने रोटी सब्जी बना कर जब देने के लिए गए, बोले बगैर चटनी से आनंद आता है, अच्छा चटनी तो दो, तब चटनी कहाँ से लाएगी, इमली का जो पत्ते को उन्होंने पीस करके चटनी बनाई, जब खिला ठाकुर जी भोजन कर लिए, बोले बड़े दिन से सोया नहीं, मेरे को थोड़ा सुलाओ, सुंदर सुंदर पुष्प लाए, सुंदर सज्जा बनाए, ठाकुर को जब साइन कराए, और बोले थोड़ा गर्मी लग रहा था, हवा तो कर थोड़ा, तब उन्होंने पेड़ के पत्ते ला कर हवा कराया, बोले नींद नहीं आ रही, चल रहे तो दबाओ, पैर तो दबाओ, इसलिए उन्होंने ठाकुर का चरण दबाए।
इसलिए ठाकुर जी इसलिए कहते ना, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, कहते श्री द्रौपदी जैसे तुम औलाद नहीं। कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सवरी के जैसे तुम औलाद नहीं। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, ब्रज गोपियां जैसे तुम। देखो जब ठाकुर को सेवा करो ना, उसका नाम विग्रह है। विग्रह मतलब होता है विशेष पूर्वक हमारी सेवा को जो ग्रहण करता है, इसलिए उनका नाम विग्रह है। पत्थर मान करके वा मूर्ति मान कर पूजा नहीं करनी चाहिए। उनको साक्षात महाप्रभु कहते थे विग्रह न तुम्हें साक्षात ब्रज नंदन। महाप्रभु कहते विग्रह नहीं, साक्षात भगवान है। ऐसे नहीं खुद चकाचक प्याज लहसुन डाल कर खा रहे हो, ठाकुर को थोड़ा क्या भोग लगा दिया, बोले दूध। कहते हम तो ठाकुर को भोग लगाते नहीं, इसको सेवा नहीं कहते, इसको सेवा नहीं कहते। ये केवल एक दिखाने के लिए तुमने एक मूर्ति रख दिया, और ठाकुर तुमने नहीं रखा है, केवल एक मूर्ति तुमने रख दिया। नहीं, जो खाएंगे सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगनी चाहिए। और ऐसे नहीं ठाकुर जी 10-15 दिन से कपड़े पहने नहीं, दिन में तो 2 बार ड्रेस बदला दे खुद। और ठाकुर जी को क्या कर दिया, बाद 10-15 दिन में एक कपड़े पहन कर बैठे हुए ठाकुर जी। नहीं, इसको ठाकुर नहीं सेवा नहीं कहते, इसको ठाकुर सेवा नहीं कहते। इसलिए कहते आत्मभक्त सेवा करनी चाहिए ठाकुर जी को, ठीक है ना। इसलिए कि जैसे अपना शरीर को श्रृंगार करो, बढ़िया से श्रृंगार करो, और शीशा को सामने खड़े हो जाओ, देखना परछाई को कोई श्रृंगार करने का जरूरत नहीं। अपना शरीर को सजाओ, परछाई अपने आप सज जाती है। मूल कौन है, ठाकुर जी। जब ठाकुर जी से बढ़िया सेवा करोगे, उनकी भोग लगाओगे ना, तुम अपने आप सज जाओगे। और मूल को तुमने सजाया नहीं, अपना शरीर को टाटी पेशाब खून पी थली को तुम रोज 3 बार स्नान करा रहे हो, उसको बढ़िया बढ़िया कपड़ा, ये किसी उचित नहीं है, ठीक है ना। इसलिए क्या करो, ठाकुर जी को अच्छी तरह से ठाकुर को सेवा करो, रोज स्नान कराओ, रोज ड्रेस बदलाओ। जो अपना स्नान के लिए ड्रेस बदलाने के लिए इतना समय लगा सकते हो, ठाकुर के लिए 5 मिनट नहीं लगा सकते, समझ रहे कि नहीं। हाँ, ऐसे सेवा करनी चाहिए। इसलिए यहीं पर जब वो भजन करते थे श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी, श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी, कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर कौन है, बोले चैतन्य महाप्रभु का प्रेमावतार है। चैतन्य महाप्रभु का ये प्रेमावतार है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ये संसार छोड़कर गए, एक पूर्व बंगाल में एक नदी जिसका नाम पद्मा नदी कहते हैं, वो अपना प्रेम को वहीं रख कर गए। बोले देख पद्मा, बहुत बड़ा एक महापुरुष आएगा, बहुत बड़े एक महापुरुष आएगा, मैं जो प्रेम तेरे को दे कर जा रहा हूँ वो प्रेम रूप देना। बोले प्रभु हमें पता कैसे चलेगा ये महापुरुष, बोले वो इतने बड़े संत हैं, चरण स्पर्श से ही अपने आप तुम्हारी पानी उफनने लग जाएगा, फिर समझ जाना ये वही महापुरुष है। कहते वो कौन, श्री नरोत्तम दास ठाकुर है, हैं नरोत्तम प्रेम का ही अवतार है। अभी उन्होंने भजन करना, वृंदावन में भजन करने के लिए आए, लेकिन जब तक गुरु ग्रहण नहीं करते ना, कहते ना भिन्न गुरु भवन निधि तरह न कोई, जो बिरिंच शंकर समय ब्रह्मा शंकर जैसे बन जाओ, अगर कोई सदगुरु आश्रय नहीं करते है ना, संसार से पार नहीं हो सकती। इसलिए भैया गुरु ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए कहते ना गुरु ग्रहण, अभी कहाँ गुरु ढूंढे कहाँ पर गुरु जी। अभी उनने ब्रज मंडल में सब जगह में पता लगाए, यहाँ पर कोई भजन परायण साधु किया है, उनने पता लगाते लगाते पता चला यहीं पर एक लोकनाथ दास गोस्वामी एक बहुत बड़े संत हैं, हाँ यहीं पर रह करके 24 से 26 घंटा भगवान की भक्ति करते हैं। अभी उन्होंने यहाँ पर आए आकर के अभी गुरु जी ग्रहण करनी चाहिए अभी। लेकिन लोकनाथ दास गोस्वामी उन्होंने प्रतिज्ञा किया था, मैं जीवन में कभी शिष्य में नहीं बनाऊंगा, उनका ये प्रतिज्ञा थी। क्योंकि जो जितने बड़े भक्त होते हैं ना, भिन्नता भी उतना आती है, इसलिए मैं कभी शिष्य नहीं बनाऊंगा। लेकिन इन्होंने उनको तो अपना गुरु ही मान लिया, बोले हमारे गुरु जी। जब उनको गुरु रूप में वर्णन करने के लिए आए, उन्होंने बोला भैया मैंने तो संकल्प किया मैं तो जिंदगी में चेला नहीं बनाऊंगा, लेकिन उन्होंने क्या प्रतिज्ञा कर लिया, मैं इनको ही गुरु बनाऊंगा। अभी गुरु चेले में तो लड़ाई हो गई, चेला कहता है नहीं इनको ही गुरु बनाऊंगा, और लोकनाथ दास गोस्वामी कहते मैं कभी चेला नहीं बनाऊंगा। इसलिए अभी उन्होंने देखा इनको कैसे हम गुरु रूप में ग्रहण कर सकते हैं। देखो केवल सेवा ही ऐसे एक वस्तु है, इसलिए भगवान कहते हैं वश्य कुर्वन्ति माम भक्त्या सत पत्नी सत पतिं यथा। जैसे कि पति प्रता नारी पति की सेवा करते 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 इतने वशीभूत कर देती हैं, जिसकी अंगुल पर पति उठना बैठना शुरू कर देता है, जैसे बोलती वैसे, क्यों उस सेवा के द्वारा उनको वशीभूत करती हैं। भैया इनको सेवा कैसे करें, ये तो इनको कोई सेवा की जरूरत नहीं, माधुर्य ले आए भजन किया,
उन्होंने सोच ढूंढ सेवा को ढूंढ लिया उन्होंने कैसे बोले जहाँ पैखाना करने जाते हैं ना बस उसको ही मैं साफ करूंगा। अभी उन्होंने जब चले जाते थे आ करके उन्होंने उसको कोई बिना घृणा करते उसको साफ करते थे। एक दिन उन्होंने देखा भैया रोज पायखाना करके जाता हूँ दूसरे दिन वो साफ सुथरा कैसे है, कहते मैं किसी के चरणों में अपराधी तो नहीं बन रहा हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति हमारी सेवा करेगा ना वैसे नहीं वो कुछ हमसे लेता है, ऐसी सेवा नहीं करता कुछ हमसे लेता है। इसलिए उन्होंने इतने छुप करके देखा ये नरतम दास ठाकुर क्या कर रहे हैं, जा करके उस स्थान को साफ सुथरा करते हुए उस स्थान को साफ सुथरा कर रहे हैं। नरतम दास ठाकुर कौन थे जानते हो, उसी समय राजा के बेटा, वो साधारण नहीं थे, राजा थे उस समय, राजा के बेटा थे, एक ही बेटा थे। लेकिन जब कृष्ण भक्ति की चस्का लगती है ना सारी दुनिया की जितने वैभव उसको सामने फीकी पड़ जाती है, जब कृष्ण भक्ति की रस जिसको आस्वादन हो जाए। अभी उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया, बोले तुम हमें ऐसे अपराधी क्यों बना रहे हो, बोले गुरुदेव आपको मैंने मन मन में गुरु मान लिया लेकिन आप मेरे को शिष्य नहीं बना रहे हो, इसलिए मैंने देखा कैसे उनको रीझा हूं इसलिए मैंने ये सेवा किया। फिर उन्होंने रीझ करके उन्होंने को मंत्र प्रदान किया। देखो अभी कोई कोई कहते हैं ना भैया गुरु करने का कोई जरूरत नहीं है, गुरु करने का जरूरत नहीं, हम तो इनको गुरु मान लिया, लेकिन अभी वो है ही नहीं जगत में, अभी वो जगत में है ही नहीं लेकिन उनको गुरु मान लिया, नहीं ये नियम नहीं है, ये नियम नहीं है। नहीं तो ये फिर ये नरतम दास कौन है, कहते ये कृष्ण लीला में एक मंजरी है, कृष्ण लीला में एक मंजरी है, ये नित्य सीधा परिकर भगवान की प्रेमा बता रहे। फिर उन्होंने उनको क्या जरूरत था गुरु करने का, फिर गुरु जी के पास में क्यों गए फिर, और इतना गुरु करने के लिए कितना दिन तक लगातार उन्होंने क्यों सेवा की। कोई कहते नहीं हम तो इनको ही गुरु मान लिया, हाँ इनको ही गुरु मान लिया, मानने से नहीं होता है, किससे डायरेक्ट कृपा लेना पड़ता है किससे। इसलिए रूप गोस्वामी भक्ति का जो सबसे पहला अंग बताया ना 64 प्रथम गुरु पदाश्रय, सबसे पहला भक्ति का अंग है गुरु पदाश्रय ग्रहण करनी चाहिए, है नहीं तो महाप्रभु को क्यों गुरु नहीं मान लेते हो, कृष्ण को क्यों गुरु नहीं मान ले तो, कृष्ण बंदे जगत गुरु, कृष्ण को तो जगत गुरु बताया, वो तो चैत्य गुरु वही है। फिर और के एक व्यक्ति को तुम गुरु मानने का क्या जरूरत है, भगवान को गुरु मान उससे कोई बढ़िया गुरु हो सकता है, महापुरुष से कोई बढ़िया गुरु हो सकता है, नहीं तो सनातन गोस्वामी उनको गुरु मान लो उनसे कोई बढ़िया हो सकता है दुनिया में, कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए शास्त्र कहता है नहीं गुरु हमें साक्षात रूप में किसी गुरु जी से, लेकिन ढूंढ करके गुरु जी को लेनी, कहते ना गुरु कर जान के और पानी पियो छान के, इसलिए गुरु जी को ढूंढ करके लेनी चाहिए। इसलिए श्री जीव गोस्वामी एक उदाहरण देते हैं क्यों हमें गुरु जी को पास में जानी चाहिए, देखो कितना बढ़िया उदाहरण है। कहते भैया शास्त्र में तो लिखा हुआ उसको पढ़ लो, उसको पढ़ लो शास्त्र में, फिर हम पर गुरु जी से क्यों लेते हैं, तो एक उदाहरण देते हैं। जैसे ऐसे कुछ पेड़ होता है जिस पेड़ से डायरेक्ट बीज को लेकर के आप बोओगे ना वो पेड़ नहीं होगा, बता सकते हैं ऐसे कौन सा पेड़ है, कहते पीपल पेड़ बरगद का पेड़ का, आप देखना वो पेड़ को नीचे कभी भी वो बरगद पीपल पेड़ नहीं देखोगे, तुम देखोगे छत के ऊपर में नहीं तो किसी पेड़ के ऊपर देखोगे। बोले ऐसे क्यों, बोले उसका एक नियम है जब वो चिड़िया फल को खाए वो फल उसका पेट में जाए, उसका पेट में ऐसे कुछ रासायनिक प्रक्रिया है जो उसको पेट में जाए, फिर जब उसका पीट करता है उसको करने पर इतने शक्ति उसका के लिए आता है। एक वृक्ष के लिए अब देखना तीन चीज चाहिए, पानी मिट्टी हवा चाहिए, तभी जाकर कोई पेड़ होगा। आप देखना ये पीपल बरगद का पेड़ छत के ऊपर होता है जहाँ पर पानी भी नहीं जहाँ पर मिट्टी भी नहीं कुछ भी नहीं, वहां पर देखता है पेड़ वहीं पर हो गया। आप लोग देखे होंगे इतने जोर जबरदस्ती होता है ना पूरा जो दीवार को फाड़ देता है, अब बारंबार उसको निकाल दो फाड़ देता है। ऐसे क्यों, इसका उदाहरण जीव गोस्वामी दिया, जब हम किसी शुद्ध साधु से भगवान का नाम को ग्रहण करते हैं हमारी हृदय निरस होने पर भी, हमारे हृदय सूखा होने पर भी, ये निरस सूखा हृदय में भी भक्ति को अगर कोई संचार कर देना, कहते भक्तों का संग, भक्तों की कृपा, भक्तों की संग। इसलिए भगवान श्री कपिल देव कहते बोले माँ सतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवत हृत कर्ण रसायन, कहते बोले माँ भक्तों का संग करो, उनसे हरी कथा सुनो, हरी कथा सुनोगे ना वो इतने वीर्यवती इतने बलवान कथाएं, श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रम सती, पहले श्रद्धा को उदय करेगा फिर भक्ति फिर प्रेम। कहते आ प वर्ग वर्तमनी, प वर्ग मतलब प फ ब भ म, प मतलब परिश्रम, प
फा मतलब फेन, बा मतलब व्यर्थता, भा मतलब भय और मा मतलब मृत्यु। बोले माँ ये पांच चीज से तुम्हें मुक्त निकाल करके तुमको भगवान की कथा तुम्हें भगवान तक पहुंचा देंगे। इसलिए यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर गुरु जी की सेवा करते हुए उन्होंने उनको कृपा को उन्होंने यहीं पर उन्होंने प्राप्त किया था। इसलिए हम लोग जहाँ पर आए अब बोलेगा कहाँ तालाब में ले आए, कहाँ पेड़, हमारे भैया हमारे गांव में तो बड़े सुंदर सुंदर पेड़ है और वहाँ पर तो और भी सुंदर जगह, पता नहीं बाबा लोग कहाँ कहाँ हम घुमा रहे, कहाँ कहाँ घुमाते हैं। नहीं, ये जो स्थान है ना भगवान की बहुत बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी प्रभु ने यहाँ पर लीला की। ये लीला स्थली में आने पर संतों लोग यहीं पर बैठे हैं और यहीं पर बैठ करके भजन किया। इसलिए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जब भजन करते थे ना, वो घर का ईंट पत्थर भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उससे भी भगवान का नाम निकलती थी। और यहाँ पर इतने सारे सिद्ध महापुरुष महापुरुष के सारे परिकर यहीं पर आए भजन किया और सख्यात कृष्ण राधा रानी सखा सखियों के साथ में यहीं पर उन्होंने लीला की। अब समझो ये स्थान कितने पवित्र नहीं होगा, इस स्थान कितने पवित्रता नहीं होगा। इसलिए गुरु वैष्णव लाते हैं यहाँ पर, जब बैठोगे कथा सुनोगे यहाँ का धूल अपना शरीर में लगाओगे ना, कृष्ण स्वयं वरदान दिया है। एक दिन मेरे इतने सारे लीला उसके हृदय में प्रकाशित होगा और उसका हृदय के सारे अनर्थ दूर हो जाएगा। इसलिए हम गुरु जी की कृपा से यहाँ पर आए, यहाँ पर प्रणाम करो, यहाँ का धूल लगाओ, क्योंकि यहाँ का धूल साधारण धूल नहीं, लगा करके अभी हम जाएंगे जावट जाएंगे।